गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष एवं तहसील सभागार में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील कर्मियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। सामाजिक दूरी बनाकर राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर संकल्प दिलाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसी क्रम में सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील कर्मियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरत लाल श्रीवास्तव ने कहा, विश्वास रखते हैं, निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जात के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। जन विश्वास रखते हैं, तथा निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं, हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुँचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से हमारा नाम भरत लाल श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। ये शासन का निर्देश है 21 मई 2020 को आतंकवाद निरोधी दिवस मनाए जाने का निर्देश है, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने शपथ लिया है। 11 बजे निर्देश था, 11 बजे हम लोगों ने शपथ लिया है। अब इसमें लगभग सरकारी सभी जो विभाग हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। पुलिस विभाग है हमारा, राजस्व विभाग है और नए कमिश्नर वगैरह तो वही हैं।